हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स के साथ खूब अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूँ नदीम मजीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान बर्ड्स एंड गार्डनिंग। जी तो गाइस, आज मैंने आपसे फिंचिस की डिस्कस करनी थी कि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि जी हमारे पास फिंचिस हैं, वो ब्रीड नहीं कर रहे, वो एक्सपायर हो रहे हैं। वो ब्रीड अगर कर भी देते हैं तो अंडे उनके फर्टाइल नहीं होते, और अगर अंडे फर्टाइल हो जाएं तो वो बच्चों को पालते नहीं हैं, उनके बच्चे जो है वो डेड इन शेल हो जाते हैं। तो क्या रीज़न इसकी हो सकती है? तो मैंने कहा चलें आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आपसे डिस्कस कर लिया जाए कि उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सर्दियों में फिंचिस से ब्रीड लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ये काफ़ी ही हसास होते हैं परिंदे और बहुत ही ये नाजुक हैं, इनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, उसकी वजह से ये एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी में इनको सर्वाइव करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको जो चाहिए, सबसे पहले तो आप अपने केज का या जिस जगह पे आपने रखे हुए हैं कमरे का टेम्परेचर मेंटेन कर लें। अगर आप अपने कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो आपके पास आपके जो फिंचीज हैं वो फिर भी सरवाइव करेंगे, और अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और आपके पास ब्रीड नहीं आ रही तो उसकी कुछ और भी वजूहत हैं जो आ सकती हैं। एक तो आपके कमरे का, क्योंकि अगर आपने हीटर के साथ उसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको ह्यूमिडिटी का मसला आ सकता है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो अंडे दे रहे हैं लेकिन अंडे जो है ना वो डेड शेल हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपके पास ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कंट्रोल करने का जो तरीकाकार वो एक ही है कि आप उसके अपने केज के अंदर या अपने कमरे के अंदर कोई ना कोई बल्ब लगा लेते हैं या कोई हीटर लगा लेते हैं, जिससे आप अपने बर्ड्स के लिए हीट प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपके बर्ड्स जो हैं वो गर्म रहें और अच्छी ब्रीड करें। एक इसका ये भी मसला हो सकता है। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने भी ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर का कंट्रोल करने के लिए मशीन लगाई हुई है, और आपको मैं अभी इसका टेम्परेचर बता देता हूँ, 23.0, और इसकी ह्यूमिडिटी जो है ना वो 53 है। और आपकी ह्यूमिडिटी जो है ना वो कम से कम 50 से ऊपर हो तो आपके जो अंडे हैं ना बर्ड्स के वो अच्छे होते हैं, वो ख़राब नहीं होते, डेड इन शेल नहीं होते, ब्रीड अच्छी आती है। और अगर आप कहें तो मैंने इसको टेम्परेचर का कंट्रोल कैसे किया है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बर्नर रखा हुआ है, ये सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है कि मैं अपने इस कमरे को टेम्परेचर अपने हिसाब से मेंटेन कर सकूँ, क्योंकि 10 बाय 10 का मेरा ये कमरा है और यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड मैंने लगाए हुए हैं। तो फिंचिस को मैंने थोड़ा सा साइड पर रखा हुआ है, उसकी रीज़न यही है कि एक तो इनको डायरेक्ट हवा से बचाना पड़ता है, दूसरा इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डिस्टर्बन ना हो, क्योंकि ये नहाने के बड़े शौकीन होते हैं। इनको आप पानी सर्दी है या गर्मी है प्रोवाइड करके रखें, ये जब खुश होंगे तो आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। तो माशाल्लाह मैंने ये सारी नई पेयरिंग की थी, इसमें मेरे पास कोई भी पहले बर्ड्स नहीं था क्योंकि मुझे शौक नहीं था इनका। तो अभी मुझे इनका शौक पड़ा तो मैंने फिंचिस लाए। तो जितनी भी पेयरिंग है ये मैंने सारी नई की हुई है, इसके अंदर मेरे पास कोई भी बर्ड्स नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मैंने पेयर परचेज की हैं, मैं फीमेल मैंने कहीं से उठाई है, मेल मैंने कहीं से उठाए हैं, और इन्होंने खुद पेयरिंग की है और इनका ये फर्स्ट क्लच है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा चले आपसे ये मोटिवेशन वीडियो एक्चुअल में, कि काफ़ी सारे लोग हैं वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो बर्ड्स को छोड़ देते हैं और वो अपने शौक को पूरा नहीं करते। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए वीडियो है कि आप बेफिक्र हो के बर्ड्स लगाएं, लेकिन थोड़ा सा सर्दियों में टेम्परेचर का मसला होता है, उनकी प्रॉपर खुराक होती है तो आप अपने बर्ड्स को वो देंगे तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह आपके पास सर्वाइव भी करेंगे और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी। तो मैं उन्हें सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करता हूँ और दाना जो है इनका वही है, सॉफ्ट फूड में आप देख सकते हैं आपको काले चने नज़र आ रहे हैं, काले चने, अंडा, ब्रेड, पालक, लहसुन, जो चीज़ें मुझे इजीली मिल सकती हैं मैंने वही डालता हूँ, कोई स्पेशल चीज़ ला के मैं नहीं डालता, क्योंकि वो एक बार आप डालेंगे तो दोबारा आपको लाने के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं आपको इनकी प्रोग्रेस दिखा देता हूँ।
इन्होंने मैंने इनकी एक बार नेस्टिंग की थी, लेकिन ये शायद खुद से नेस्टिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन्होंने वो नेस्टिंग जो थी वो गिरा दी। तो उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से नेस्टिंग की है, तो ये आप देख सकते हैं नेस्टिंग, मैंने नेस्टिंग की थी, इन्होंने वो सारी नेस्टिंग बाहर निकाल दी। तो इन्होंने अब ये दोबारा से नेस्टिंग की है अपनी मर्जी से। तो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये पहले ये आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये पहला बॉक्स है, इसकी नेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इन्होंने अंडे यहाँ पे ले कर दिए हैं। और उसके बाद एक और ये बॉक्स है, इसके अंदर अभी नेस्टिंग स्टार्ट है, लेकिन इनको अभी मैं नेस्टिंग मटेरियल और प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर से नेस्टिंग कर ली, अब नीचे रहता है। ये भी देख सकते हैं आप, इन्होंने यहाँ पर भी ऑलमोस्ट नेस्टिंग कम्प्लीट कर ली है, लेकिन ये थोड़ी बहुत है, इन्हें और दे दूंगा तो ये वो भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने नेस्टिंग कम्प्लीट की और दो अंडे इसमें भी आ चुके हैं। उसके बाद एक ये मेरा बॉक्स है, इसके अंदर भी आपको अंडे नज़र आ रहे होंगे, एक अंडा इसके अंदर पड़ा हुआ है। और एक इन्होंने जो की है वो इन्होंने अपनी मर्जी से ही बाहर ही इन्होंने नेस्टिंग कर ली है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने यहीं पे नेस्टिंग की है और इसी के अंदर इन्होंने अंडे दे दिए, लेकिन नेस्टिंग इन्होंने ऐसी कर दी है कि ये मुझे इसके अंदर नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। तो मैं आपको फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। जी ये देख सकते हैं आप, और अंडे नज़र आ रहे होंगे आपको क्या नहीं नज़र आ रहे होंगे, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं कि इसके अंदर अंडे हैं या नहीं हैं। आई थिंक अंडे इसके अंदर नहीं पड़े हुए, लेकिन मैंने कैल्शियम ब्लॉक रखा था, वो इन्होंने अंदर लेके गए हैं, अंदर बैठ के ये खाते हैं। तो तीन बॉक्सेस हैं जिनके अंदर अंडे आए हुए हैं, और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने की हुई नेस्टिंग। नेस्टिंग मटेरियल मैंने और प्रोवाइड करूँगा ताकि अपनी नेस्टिंग कम्प्लीट कर लें और अंडे दे दें। तीन बॉक्सेस के अंदर अंडे पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह बाकी पेयर जो लगे हुए हैं उन्होंने नेस्टिंग उन्होंने भी कर ली है। तो नेस्टिंग मटेरियल मैंने ला कर रखा हुआ था, ये आपको नज़र आ रहा है। तो अब इन्हें मैं नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा ताकि ये अच्छी ब्रीड करें। तो बेसिक चीज़ें हैं ये जो मैंने आपसे डिस्कस की, आप अपने बर्ड्स को खासतौर पर जावा फिंचिस को ये देंगे तो वो बड़े खुश होंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे आपके पास इंशाल्लाह। तो मैं इन्हें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं इनकी टेम्परेचर को मेंटेन रखता हूँ, खुराक इनकी जो है वो हर वक्त रखता हूँ, पानी आप देख सकते हैं मैं हर वक्त रखता हूँ क्योंकि ये नहाते हैं, यहाँ से नहाएंगे फिर जाएंगे, यहाँ से नहाएंगे फिर जाएंगे। तो आप माशाल्लाह से अपने अगर बर्ड्स को ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे और अपने बर्ड्स को अच्छी प्रॉपर खुराक देंगे तो आपके बर्ड्स आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।